वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट केक है। लेकिन तुम कौन हो? चले जाओ, यह मेरा केक है। तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही हो। पुलिस बचाओ, चोर चोर। कौन चिल्लाया था? मैं यहाँ पर हूँ। अरे मैं बिल्कुल नहीं, वो खुद दोषी है। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। उसका धूर्त चेहरा तो देखो। मेरा? हाँ, वो मेरा केक लेना चाहती थी। चुप रहो, मैं थक गया हूँ तुम्हारी बातों से। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा, वे मेरी फोटो लेना चाहते हैं? फिर तुमने मुझे ये पेपर क्यों दिया? ये मेरी ड्रेस से मेल नहीं खाता है। लड़कियों, जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हो रहा है? मैं किसी की तस्वीर नहीं लेने जा रहा हूँ, मुझे केवल बेला चाहिए। ये मेरी दोस्त है, मेरे पास उसके बिना फोटो नहीं हो सकती। एक फोटो ले लो। तुम क्या कर रही हो? मुझे सबसे अच्छी फोटो चाहिए। लड़कियों बाहर निकलो। ठीक है, इतने पैसे के लिए मैं एक फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, मैं सुंदर हूँ? अरे हाँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं यहाँ हूँ। अरे पुलिस, अब आपको मेरी तस्वीर लेनी है या नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूँ। क्या तुम मुझे पैसे गिनने से रोक रही हो? ओह ठीक है, मैं फोटो के बारे में भूल गया हूँ। लेकिन मैं अब मुफ्त में फोटो नहीं लूंगा, और मेरा कैमरा भी खराब हो गया है। क्या करूं? क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी तस्वीर बनानी है। मुझे लगता है कि तस्वीर अच्छी बनेगी। तैयार हो गया, एकदम असली की तरह। मैं एक अच्छा कलाकार हूँ। क्या क्या मैं ऐसी हूँ? तुम कितने बेकार हो। वेलकम मिस बेला, अपने सेल में आओ और अपने घर जैसा महसूस करो। शुक्रिया। रुको, क्या यह मेरा कमरा है? लेकिन ये इतना खराब है, कितना खराब रंग है, और यहाँ तो बदबू भी आ रही है। नहीं, मैं ऐसी झोपड़ी में नहीं रहना चाहती। सुनो पुलिस ऑफिसर, मैं आपको पैसे दूंगी और आप मेरे कमरे को अच्छा बना दो। आशा है इतना पैसा काफी होगा। ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। मैं विशेष रूप से इन फूलदानों के लिए आई किया गया था। आशा है कि वो इसे पसंद करेगी। मैंने कुछ तस्वीरें भी खरीदी हैं। जेल इतना बुरा नहीं है, यहाँ फुटरेस्ट भी है। यहाँ बहुत डरावना है, इतना छोटा कमरा। मैं इसे और अधिक आरामदायक कैसे बना सकती हूँ? मुझे यहाँ बहुत दिन तक रहना है, मुझे कुछ अच्छा सोचना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं अपनी सेल के लिए फर्नीचर नहीं खरीद सकती, तो मैं पेंट तो जरूर कर सकती हूँ। बहुत सुंदर। ये बिल्कुल असली लगता है। ये सच है कि चौक सोफे को बिल्कुल नहीं बचा सकता। खैर, जो है सो है। मुझे बहुत भूख लगी है। पुलिस ऑफिसर, क्या आपके यहाँ कैंटीन है या मैकडॉनल्ड? आपके लिए सब कुछ, ये रहा मेन्यू। वाह बहुत अच्छा, मैं शायद सब कुछ लूंगी। सब ठीक है? खाना स्वादिष्ट है? हमारे रसोई कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेल में खाना होटल से बेहतर होगा। मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं एक पिज्जा का टुकड़ा ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो मेरी है, इसके बारे में सोचो भी मत। अरे पुलिस ऑफिसर, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ओह, इस बारे में मैं पूरी तरह से भूल गया था। मुझे क्या मिलेगा? पिज्जा और सुशी, शायद बर्गर और एक फ्रेंच फ्राइज होगा। नहीं, पॉरिज, तुम्हें पॉरिज मिलेगा। क्या
बदबू आ रही है। मैं इसे नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है कि स्वादिष्ट तरीके से कैसे खा सकते हैं। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मुश्किल निकला, पर यह मेहनत के लायक है। यहाँ इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, जल्दी से मुझे ये सब ले लेना चाहिए। अरे क्या वहाँ, क्या है वहाँ, कौन है? ओ, मुझे लगता है मुझे अब भाग जाना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैंने कितना खाना खा लिया है, अब मैं छेद से भी नहीं निकल पा रही हूँ। पुलिस बचाओ। अरे मैडम, आप वहाँ कैसे पहुँची? छेद कहाँ से आ गया? मैं आपको जल्दी से निकाल लूंगा, जल्दी करो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कोई मोटा हो गया है। मैं बर्गर खा सकती हूँ और ये मैडम फर्श पर लेटी हुई है उस तक पहुँचने के लिए। अरे ये बहुत खराब है, मेरा आईफोन 10 पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है। मैं नए फोन खरीद कर थक चुकी हूँ, कितना बोरिंग है। अपने को अब कैसे बिजी रखूं? पुलिस ऑफिसर, मैं ऊब गई हूँ, मेरा मनोरंजन करो। मैडम मैं पहले से ही यहाँ हूँ, आपके पैसे के लिए कुछ भी। वाह तुम कितना मस्त नाच रहे हो। हाँ तुम जानते हो कि एक महिला का मनोरंजन कैसे किया जाता है। ये लो पैसा पकड़ो और नाचो, नाचो और पैसा पकड़ो। पैसे वो मेरे हैं, मैं अमीर हो जाऊंगा, बहुत बढ़िया। मुझे मजेदार मनोरंजन मिला है और वास्तव में मैंने यहाँ एक मित्र भी बनाया है। उसके साथ हम बेला से भी बेहतर मस्ती करते हैं, वो भी मुफ्त में। ऐसा लगता है कि नहाने का समय हो गया है, लेकिन अगर पानी ना हो तो स्नान कैसे करें? बिल्कुल सही, मेरे पास एक जीनियस प्लान है। जब हम लोग कैंप कर रहे थे तो हमने दो शाखाओं से आग लगा दी थी। मुझे लगता है कि मैं अभी भी यह ट्रिक कर सकती हूँ। चलो बताओ आग कहाँ है। वाह अब फायर अलार्म ऑन हो जाता है और मुझे मिलता है फ्री का शावर। घर पर भी मैं इतनी अच्छी तरह से शावर नहीं लेती, पानी बहुत महंगा है। Hey! अरे इसमें मैं क्या करूं? Oh, no! मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जेल में रहना कितना अच्छा है। ओ, ओ, क्या बकवास है, बदबू। ओह मैं यहाँ नहाई नहीं हूँ, मैंने ये कैसे नहीं सोचा। क्या करूँ, पुलिस मुझे बचाओ। आपको क्या चाहिए मैडम? शावर, मुझे तैरना है। आपको इस सेवा के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, पैसे की कोई समस्या नहीं है। स्विमिंग पूल आपके लिए ठीक रहेगा, निश्चित रूप से ये एकदम सही होगा। समझ गया, काम हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, दीवारें बंद हो रही हैं। ओह भयानक। अरे मैरी चिल्लाओ मत, मैं मैडम बेला के लिए एक अच्छा सा स्विमिंग पूल बना रहा हूँ। तुम्हें पसंद है? बिल्कुल, यह बहुत अच्छा है। अब इस जेल से निकलने का समय हो गया है, बहुत हो गया, अब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी। लगता है पुलिस वापस आ गई है, मुझे छिप जाना चाहिए। मैं शायद इसमें नहीं समा पाऊंगी।
लेकिन मेरे लिए बैग सही रहेगा। शॉपिंग पर जाना कितना अच्छा है। जी, मुझे लगा कि बैग खाली है, लेकिन यहाँ कचरे का एक पूरा अंबार है। बदबू। आशा है मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं इसे पाइप पर कभी नहीं चढ़ी हूँ। मैंने इसे केवल फिल्मों में देखा है। मुझे लगता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है। आजादी, मुझे आजादी चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे? नहीं, मुझे बाहर जाने दो। मैडम बेला, प्लीज, आपकी कार आ चुकी है। धन्यवाद। ये सही नहीं है। मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती। मैं तंग आ चुकी हूँ। मल्टीटू को सब्सक्राइब करें, फिर सबसे अच्छी चुनौतियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अगर आप अगले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें।